सरकार की महती पंडित दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वरोजगार योजना का लाभ लेते हुए नीमच की श्रीमती सोनू जोशी जिले की पहली महिला ई रिक्शा चालक बन गई है। वह आत्मनिर्भर होकर अब अपने परिवार को आर्थिक रूप से भी मदद करेगी। महिलाओं के लिए श्रीमती जोशी एक मिसाल है। श्रीमती सोनू जोशी की इस कोशिश की और उनकी मेहनत की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। गौरतलब है कि पूर्व में श्रीमती सोनू जोशी गांव-गांव जाकर मोपेड के जरिए कपड़े बेचा करती थी, लेकिन कई बार उसे देरी की वजह से परेशानियां झेलनी पड़ती थी। पर जब उसे सरकार की पंडित दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना की स्वरोजगार योजना का पता चला तो उसने ई रिक्शा लोन पर लेने का निर्णय लिया। अब उसे रिक्शा मिल चुका है जिसे वो नीमच की सड़कों पर चला रही है और उसे देखकर लोगों को बेहद खुशी हो रही है। श्रीमती सोनू जोशी के इस प्रयास की नपाध्यक्ष राकेश जैन, पप्पू और सीएमओ संजेश गुप्ता ने भी बेहद तारीफ की है और कहा कि वे दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। सहयोग है आगे, और हम एक साल पे कपड़े वपड़े बेचते थे, आने में लेट होते हैं, तो हस्बैंड ने और ये रिक्शा चल रही है तो हस्बैंड ने बोला वह ले ले, तो हम दो ही ने मिलके यहाँ नगर पालिका में आवेदन लगाया। आवेदन लगाने के बाद फिर यहाँ से योजना फिर मुख्यमंत्री की तरफ से और फिर बैंक द्वारा मिली और लोन, और 155,000 का टेम्पो है और क्या बोलते हैं अपने 46,000 रुपये की सब्सिडी है इसकी नगर पालिका की तरफ से, और सर का बाकी सब नगर पालिका की तरफ से सबका पूरा सही मार्केट में चल रहा है। और फिर एक्सेल और गाड़ी चलाना आती है तो मतलब इसमें कहीं की सर हमें चला रहे थे, सब चला रहे हैं तो अपन भी चला ले। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए अनेकों कदम उठाए, उस योजना में इन महिलाओं को हमने ई रिक्शा प्रदान किया है। आज हमें बेहद खुशी है कि नगर पालिका के माध्यम से हमारी बहन सोनू जोशी ने ई रिक्शा लिया है, इनके पास लाइसेंस है और ये पूर्व से अपना बिजनेस करती थी, व्यापार करती थी, गाड़ी के माध्यम से गांव-गांव घूमकर कपड़ा बेचती थी, तो आज नगर पालिका के माध्यम से इनको ई रिक्शा देने का काम सोनू जोशी को दिया है। इससे शहर के अंदर और प्रेरणा आएगी और महिलाएँ इसमें आगे आएगी, और जो भी महिलाओं के आवेदन प्राप्त होंगे उनको हम प्राथमिकता के आधार पर ई रिक्शा देने का काम करेंगे, ताकि हमारे जो शहर में बहनें हैं उनकी भी बिजनेस में, व्यापार में और शहर के विकास में भागीदारी सुनिश्चित हो। वॉइस ऑफ एमपी के लिए दीपक खराबिया की रिपोर्ट।